बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं इंजीनियर अली आजम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर वाले ऑफिशियल्स। व्यूवर्स, आज मैं सादिकाबाद में आया हूँ, तो सादिकाबाद में अभी वॉक करने के लिए जाते हैं और आपको दिखाते हैं किधर गाँव का माहौल कैसा होता है। और ये अभी मैं नहर के किनारे बैठा हुआ हूँ, तो आपको ये नहर का व्यू दिखाता हूँ। इसको सादिकाबादिया नहर कहते हैं, तो इसके अभी हम वॉक करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं कि कौन क्या क्या चीज़ें हैं इधर, गांव का कैसा माहौल होता है, कौन कौन सी फसलें अभी तक उगाई जा रही हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। ये कनाल है, तो ये बैक साइड पर ये देखें गाँव का पूरा माहौल, और पीछे बैक साइड पर फसलें भी हैं, और ये सनसेट का व्यू बहुत ही खूबसूरत, ये देखें कलरफुल व्यू है, ये देखें सूरज की लाली। और सादिकाबाद पंजाब की आखिरी तहसील है। इधर का जो पानी है ना, ज़्यादातर खारा पानी होता है, जो घरों में नल लगे होते हैं या मोटरें लगी होती हैं उनका खारा पानी होता है। इसमें ये देखें नहर के किनारे आपको मुख्तलिफ जगह पे नलके नज़र आएंगे लगे हुए, जिनका पानी मीठा होता है, लोग यहाँ से पानी भर के तो अपने घरों में जाके इस्तेमाल करते हैं। आम घरों का पानी जिन्हें खारा होता है। अभी ये बच्चे भी मेरे साथ हैं, जैन, अहमद और हादी। ये अभी ये नहर है, ये नहर का व्यू है। तो अभी आज जैसे जाते हैं आपको आगे रेलवे ट्रैक भी है, जो लाहौर से कराची का रेलवे ट्रैक है, तो आपको दिखाता हूँ, रेलवे ट्रैक भी दिखाता हूँ और नहर की जो ना व्यू भी दिखाते हैं। नहर की ये रेलवे ट्रैक पंजाब और सिंध को मिलाता है। ये माल ट्रेन है जो पंजाब की तरफ से आ रही है और ये सिंध में दाखिल होगी। अभी जिस तरफ से आ रही है ये पंजाब की हदूद है, और जिस तरफ जाएगी वो सिंध की हदूद में ये ट्रेन इस तरफ आएगी। तो ये आपको इसका व्यू दिखाते हैं। सादिकाबादिया कनाल में से टिब्बी हेड माइनर के मकाम पर एक छोटी कनाल निकाली गई है, जो दूर दराज फसलों को पानी से सराब करती है। इस मेन कनाल से छोटे छोटे खाले भी निकाले गए हैं, जो करीबी फसलों को पानी से सराब करते हैं। स्कूल के पास जाके उधर डिग्गी में जाके शामिल होता है, डिग्गी है उधर, उसमें जाके शामिल होता है। देखे मामू कितने ज्यादा नींबू है, ऐसे गिनती करें तो हजार से। वो पीछे ये लिम्बुओं का बाग लगा हुआ है, वो ये पीछे दाता है ये, यहाँ से लेके वहाँ तक है, पर लंबाई में बड़ा है, लंबाई में बड़ा है, छोटा है, लंबाई में बहुत बड़ा है। पीछे सूरज का व्यू, सनसेट का व्यू आ रहा है। अच्छा,
ये आपको जो ज़मीन नज़र आ रही है इसको गंदम की काश्त के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें पहले हल चला के फिर इसमें खाद डाली जाती है, खाद डाल के इसमें पानी छोड़ जाता है ज़मीन में। जब ज़मीन पानी से तर हो जाती है उसके बाद इसमें गंदम का दाना डाल दिया जाता है, तो ऐसे ज़मीन तैयार हो जाती है। ये आपको दूसरा व्यू नज़र आ रहा है, ये फसल उगाने के बाद गंदम की कोम्पे निकल आई हैं और छोटे छोटे पौधे निकल आए आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन से, तो ऐसे गंदम की फसल काश्त की जाती है। गांव में लोगों की अपनी ज़मीनें होती हैं और लोग अपनी ज़मीन में ही सब्जियां और मुख्तलिफ चीज़ें, जानवरों का चारा काश्त कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ज़मीन में लहसुन और सब्जियां वगैरह लगी हुई हैं, तो साथ जानवरों का चारा और गन्ने की फसल भी है। तो ये देखें ये लहसुन है, तो वो बैक साइड पे सब्जियां लगाई हुई हैं, तो साथ ये गन्ने की फसल है। ये देखें ये चारा भी साथ जानवरों का लगाया हुआ है इन्होंने। ये देखें गांव में आपको कच्ची दीवारें भी नज़र आएंगी। ये देखें ये मिट्टी से दीवारें बनी हुई हैं, ये बेसिक गांव का माहौल है। ये देखें पक्के मकान भी लोगों ने गांव में बना लिए हैं, तो ये कहीं कहीं नज़र आती हैं, पर यह है कि आपको नज़र ज़रूर आएंगी गांव। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे इंजीनियर अली आज़म को इजाज़त दीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।